हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के ब्रोमेल इलेक्ट्रिकल पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, यानी जो यूपीपीसीएल के जो रिजल्ट आने वाले हैं उन पर लगभग प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। तो चलिए फिर मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँगा कि क्या क्या प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो फ्रेंड्स, आपने नोटिस किया होगा पिछले कुछ दिनों से जो वेबसाइट थी वो आपकी कुछ प्रॉब्लम कर रही थी, यानी प्रॉपर तरीके से वो वर्क नहीं कर रही थी। फाइनली इस पर कुछ कार्य चल रहा था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अब फिलहाल वेबसाइट आपकी प्रॉपर तरीके से कार्य कर रही है। तो आपको यहाँ पर आपको जाना है वैकेंसी या रिजल्ट अपडेट को लेकर, उस पोर्टल पर आपको पहुँच जाना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक नई अपडेट आपके सामने आई है, इस पर भी एक वीडियो बनाई है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बताना चाहूँगा, यानी जो आपकी जो परीक्षाएँ हुई हैं यूपीपीसीएल TG2 की, उसमें आपकी ARO, AO और आपका TG2 और AE की परीक्षा हुई हैं और इनके परिणाम अभी आने बाकी हैं, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इनका होना बाकी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यदि आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे छठे नंबर पर, यानी डाउनलोड रेस्पॉन्स की एंड अपलोड ऑब्जेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल अगेंस्ट, आपको एडवर्टाइज नंबर यहाँ पर दिया गया है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको क्लिक करने पर आपको प्राप्त होगा, यानी जो आपकी लॉगिन थी वो आपकी 4 अप्रैल 2021 को ही आपकी समाप्त हो गई थी। तो फ्रेंड्स, आपने अभी देखा होगा कि AO वाला वो आपका लॉगिन हो रहा है। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, थोड़ा और ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हैं और आपका देखते हैं ARO वाला वो लॉगिन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो 11वें नंबर पर आप देखेंगे, यानी ये भी आपका प्रॉपर तरीके से लिंक ओपन हो रहा है। तो दोस्तों, अब एक और बचा है, उसे भी देख लेते हैं, यानी AE वाला, यानी असिस्टेंट इंजीनियर की जो परीक्षा हुई थी इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की, उसे भी देख लेते हैं वो आपका लॉगिन हो रहा है या नहीं हो रहा है। सॉरी दोस्तों, वो JEE की परीक्षा हुई थी इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की, उसे भी देख लेते हैं, उसका आपका ऑब्जेक्शन के लिए ये लॉगिन हो रहा है पेज नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये दोनों पेज आपके, यानी TG2 और आपका JEE इलेक्ट्रॉनिक्स के जो आपके लिंक है वो ओपन नहीं हो रहे हैं। तो दोस्तों, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो रिजल्ट की प्रक्रियाओं पर अभी कार्य चल रहा है, क्योंकि ऐसा तभी होता है जब कोई नई अपडेट होनी होती है। यानी आपने देखा होगा पिछली बार भी जब आपका रिजल्ट आए थे तो टेक्नीशियन लाइनमैन का आपका लिंक ओपन नहीं हो रहा था और ARO का वो आपका लिंक अपडेट हो गया था और कुछ ही समय बाद उस पर आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए थे। तो दोस्तों, इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रिजल्ट में आने में थोड़ा अभी समय लग सकता है, इस पर प्रक्रिया चल रही है। तो जल्द ही आपको कुछ ना कुछ सूचना मिलेगी इन, मतलब आपकी जो परीक्षा हुई है JEE इलेक्ट्रॉनिक्स आपकी TG2, OA और ARO की जो परीक्षा हुई है, इनमें से जल्द में से चारों में से कोई ना कोई रिजल्ट आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ज़्यादातर इस वीडियो लाता रहता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।